विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड कर सकते हो। शाबाश, हो गया डी एल फैक्टर डी एल अपॉन, एक को डिफरेंशिएशन करनी है दूसरे को नहीं करनी। मान लीजिए आप लोगों ने आर को डिफरेंशिएशन कर दिया, डी आर वेक्टर अपॉन क्रॉस टी वेक्टर बी प्लस आर वेक्टर ऐसे ही इंटू सुभाष डी टी वेक्टर अपॉन, कोई परेशानी तो नहीं बेटा? समझ आया कि नहीं? आप सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, आइए जरा बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कभी बोला, इससे पहले कभी बताया ना? लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, आप लोग देखो हाँ याद कुछ भी नहीं रखते हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गई वेलोसिटी, बट डी आर अपॉन डी टी होता है वी वेक्टर, क्या होता है बिकॉज डी आर अपॉन डी टी इज वी वेक्टर, उधर नहीं देखो इधर देखो dr upon dt is शाबाश, according to Newton's second law of motion dp upon dt हाँ आई अकल क्या है, इससे पहले बताया था शाबाश, ये किसके बराबर है f factor। और एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को बोल के रखता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इक्वल पैरेलल होते हैं, याद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं ये करूंगा इधर देख लीजिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, पढ़ लेना क्रॉस प्रोडक्ट में, मैं करना करने बैठूंगा तो वो उधर पहुंचेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट पर, ये याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज जीरो, देखना चाहते हो क्रॉस प्रोडक्ट में देख सकते हो, साइन जीरो डिग्री बनता है, क्या बनता है, अगर ए वेक्टर है ये, ए वेक्टर है ये, टू इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, ए क्रॉस ए होता है ए इंटू साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो इज क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज डी पी अपॉन डी टी इज फोर्स, डी आर अपॉन डी टी इज सारे निकल गया क्वेश्चन, आप लोग चलते जाओ dr upon dt शाबाश, फिर t वेक्टर ठीक है बेटा, प्लस r वेक्टर f, एक और चीज इससे पहले आप बता दीजिए बेटा P वेक्टर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल के दिया था, P किसके बराबर, P इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, M इंटू V वेक्टर, M इंटू क्रॉस प्रोडक्ट P में नहीं होता, ये होता है P मास तो स्केलर क्वांटिटी है, M इंटू V वेक्टर पढ़ाया बोला था ना, M इंटू V वेक्टर किसके बराबर, जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, या लिखने का तरीका मैं एम को बाहर निकालो कांस्टेंट है, एम को बाहर बी वेक्टर क्रॉस प्लस आर वेक्टर क्रॉस, जरा बता आप, ये मैंने बताया हुआ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर,
एक क्वेश्चन पढ़ा है आपका साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है टार, क्या होता है? नहीं होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर एंड द फोर्स इज कॉल्ड, ये कल पढ़ा, कल पढ़ा था ये क्वेश्चन। टार्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज जीरो हो गया एम इनटू प्लस प्लस फिर क्या बन गया इज इक्वल टू डी एल वेक्टर अपॉन डीटी। दिस इंप्लाइज दैट टार्क इज इक्वल टू डी एल वेक्टर अपॉन डीटी। This is a correlation. एक मिनट अभी आपको उठना नहीं, शाबाश। जरा मुझे बताओ किस रिलेशन से हम शुरू करेंगे ये क्वेश्चन? शाबाश, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन हमें डिराइव करना है बेटा। मैं बता रहा हूँ किस से हम रिलेशन शुरू करेंगे। वी नो, शाबाश, बोलो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर, शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर, करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स फिर बोलो डी एल वेक्टर अपॉन डीटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डीटी क्रॉस प्लस यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते आर वेक्टर क्रॉस आप डायरेक्ट लिखोगे इसके बजाय प्लस इनटू डी वेक्टर को क्या लिखोगे एम इनटू प्लस आर वेक्टर इनटू। समझ आया बेटा? अब मुश्किल नहीं ना लगा, अब इजी है ना। शाबाश, एम को क्या निकालेंगे, क्या आएगा प्लस आर। शाबाश, बी क्रॉस बी ये क्या बन गया, क्या बन गया आर इज इक्वल टू इसको क्या पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंटम। टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो ये देख लीजिए, समझ आया? अगर आप लोग कुछ भी नहीं करोगे इन क्वेश्चनों को रख कर दूंगा, बाकी तो मैं सेट कर दूंगा। अब टाइम आज लेट हो जाएगा, अब मैं जिस दिन क्लास होगी उसके नेक्स्ट दिन सुबह, जिस तरीके से आज मैंने सुबह सवेरे कर दिया ना सेट, या तो लेट करूंगा जैसे आप लोग बताओ, या तो सुबह सवेरे करूंगा या शाम को लेट, शाम को फिर लेट। आप लोग की फिर बोलते हो ना लेट नहीं लेट नहीं सर, या सुबह सवेरे या शाम। तो अगर मैं शाम को भेजूंगा सुबह लिखा करो, शाम को अगर मैं 10 बजे भी भेजूंगा लेकिन सुबह फिर काम किया करो सवेरे। ठीक है, तो समझ आया? रेगुलर करो, अब जिस जिस दिन आना है रेगुलर करो, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो यहाँ से जो आगे फिजिक्स आसान, फिजिक्स का पोर्शन को जो डिफिकल्टी जो था वो हो गया, अब तो आसान। Yeah.